हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंजॉय करा में। दोस्तों, आज के वीडियो में इस बार हम बात करेंगे आज पोस्ट डॉक्टोरल रिलेटेड जो फेलोशिप के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे जॉब्स लाइक बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास में जॉब्स तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये UGC की तरफ से रिलीज किया गया है और इसका जो नाम है वो है डॉक्टर एस कृष्णन UGC पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप 2022। तो यहाँ पे अगर आपने जो अपना PhD कंप्लीट कर लिया है तो आप जो है पोस्ट डॉक करना चाहते हैं तो ये जो ये है ये इट इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी टू परस्यू पोस्ट डॉक। और यहाँ पे जो है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्ण UGC पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है UGC का जो पूरा जो गाइडलाइंस है वो आपको जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये नॉर्मली आपका PhD के बाद ही होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट डॉक्टर रिसर्च है एंड इम्पॉर्टेंट इनेबलिंग स्टेप इन ग्रूमिंग यंग रिसर्चर। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है अपना PhD जस्ट कंप्लीट किया है, ठीक है, तो और वो अपना पोस्ट डॉक्टर स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ये आपको UGC जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो UGC आपको यहाँ पे जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, ठीक है, और इसका जो अमाउंट है वो भी है जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इंडिया में अगर आपको अपना पोस्ट डॉक्टर स्टडीज़ के लिए अगर इतना अमाउंट मिल रहा है तो भी जो है बहुत अच्छी बात है। अब बात करें इसका ऑब्जेक्टिव की, तो ये जो लाइक राधा कृष्ण फेलोशिप है ये आपको साइंस में देखने को मिलेगी, इंजीनियरिंग में एंड टेक्नोलॉजी में, ह्यूमैनिटीज में और साथ ही साथ जो आपको सोशल साइंस में भी आपको यहाँ पे जो है आपका जो है ये फेलोशिप देखने को मिलेगी। और ये जो टेन्योर है फेलोशिप का ये आपका 3 ईयर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 ईयर्स तक जो है आपको यहाँ पे जो है रेगुलर फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे रेगुलर फेलोशिप जो है वो 3 ईयर्स तक आपको यहाँ पे जो है क्लियरली वो दी जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पास जो है PhD डिग्री होना मस्ट है, ठीक है। तो PhD डिग्री आपके पास हो किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में या डिसिप्लिन में, चाहे वो साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, किसी में भी आपका PhD डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो अगर आप 35 ईयर्स ऑफ एज है जनरल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST या OBC है तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप इसके लिए सिलेक्टेड होते हैं तो आप इसके लिए जो है आप जो है अपना फेलोशिप जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड एनी काइंड ऑफ पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप फ्रॉम UGC नीड नॉट अप्लाई इन द सेम स्कीम। इसके अलावा अगर आपने मान ली सपोज PhD करने के बाद आपने किसी भी टाइप का जो है PDF फेलोशिप जो लिया है एनी काइंड, चाहे आपका वो कोई भी टाइप का हो, चाहे वो आपका NPDF हो, चाहे आपका जो है वो DBT RA हो, ठीक है, चाहे वो आपका जो है ऑलरेडी जो आपने अगर कोठारी फेलोशिप ले रखा है, तो ये सब अगर आपने ले रखा है तो आप जो है इसके लिए जो एलिजिबल नहीं है। तो ये आपको एक ही बात जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऑलरेडी लाइक अवेल कर चुके हैं तो आप इसके लिए दोबारा जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अगर आपने 55% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% मार्क्स का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपने PhD जो है JNU से किया है, ठीक है, सपोज, तो आप जो है अपना पोस्ट डॉक्टोरल फेलो यानी PDF जो है आप JNU से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अपना PDF करने के लिए आपको कोई न्यू यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई न्यू यूनिवर्सिटी आपको देखनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको अपना मेंटोर जो है वो चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर जो है आपको अपना PDF करना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है आपके रिसर्च स्कॉल आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन कर रखा है द मेंटोर शुड बी द रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई नहीं कर सकते, आप असिस्टेंट प्रोफाइल के अंडर आपको एसोसिएट प्रोफेसर में ही अप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन अदर देन दैट यूनिवर्सिटी वेयर यू डिड योर PhD। द मेंटोर मस्ट हैव बीन अवार्डेड द PhD डिग्री। द मेंटोर शुड हैव सुपरवाइज एटलीस्ट 3 PhD थीसिस, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है कि आप कौन सा मेंटोर जो है वो चूज करें और उनके अंदर जो है ये तीनों जो क्राइटेरिया है वो होने चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा जो है द फेलोशिप अंडर दिस स्कीम विल बी अवेलेबल फॉर परसुइंग रिसर्च वर्क इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे यूजीसी रेगुलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं, चाहे आपका वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, या कोई भी आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है, चाहे वो आपका आईआईटी में आप कर सकते हैं, आप नाइसर में कर सकते हैं, आप जो है आईसर में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है आपका जो नेशनल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, नेशनल रिकॉग्निशन उसका होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस जो स्लॉट्स है वो 900 है, तो यहाँ पे आपका स्लॉट जो है वो 900 है, क्योंकि बहुत ही लार्ज नंबर में है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये जो पीडीएफ का है कोठारी, या हम बोल सकते हैं राम दास कृष्ण फेलोशिप जो स्कीम है वो अभी तक आई नहीं, इसीलिए इन्होंने जो इसमें स्लॉट है वो आपके 900 है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इन 900 में जो है 30% जो सीट है वो जो है रिजर्व है वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने देखिए मेंशन कर रखा है वुमेन्स कैंडिडेट के लिए 30% सीट जो रिजर्व रिजर्व है, ठीक है। अब बात कर रहे थे आप नेचर असिस्टेंट की, आपको यहाँ पे कितना फेलोशिप जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये फेलोशिप अमाउंट है कि आपको कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 50,000 जो आपका फेलोशिप रहेगा पर मंथ, और आपका यहाँ पे जो कंटीजेंसी 50,000 पर एनम रहेगा, और आपके एस्कॉर्ट या रीडर असिस्टेंट ही 3,000 रुपीज दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको तो अमाउंट है 50,000 ये हो गया आपका, और प्लस आपको यहाँ पे 24% एचआरए दिया जाएगा अगर आप जो है मेट्रो सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो इट दिस इज फॉर मेट्रो सिटी, तो अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे 24% एचआरए भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो है ऑलमोस्ट 12,500 आपको एचआरए मिल जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 62,500 अप्रॉक्स जो है अप्रॉक्स आपको जो है यहाँ पे अमाउंट पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये पर मंथ आपकी जो है सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये ह्यूज अमाउंट है देखा जाए तो इंडिया में, देखेगा आपको पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए अगर आपको इतना अमाउंट दिया जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एचआरए जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे 24% जो है वो एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपके ऑलरेडी मेंशन कर लिया। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी सेपरेट फिक्स मेडिकल असिस्टेंट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको जो लीव दी जाएगी वो आपको 30 डेज की दी जाएगी, ठीक। तो 30 डेज जो है ईयरली आप जो है कोई भी अपनी जो लीव है उसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पैटर्निटी एज वेल एज मैटरनिटी पैटर्निटी एंड मैटरनिटी लीव भी आपको यहाँ पे जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपको यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपके एटलीस्ट जो आपका एप्लीकेशन हो 3 रेफरीज जो है वो आपको जो है वो आपका इवेल्युएट करेंगे आपकी प्रोजेक्ट प्रपोजल को। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एंड में आपका जो है आपको यहाँ पे जो है फाइनल लिस्ट जो है वो आपको यूजीसी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है आपका जो है यहाँ पे दिया जाए देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड अगर आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपना अवार्ड लेटर दो वो यूजीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने आपके साथ मेंशन की। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर सपोज आपको अवार्ड लेटर मिल जाता है तो आपको विद इन 3 मंथ जो है आपको अपना जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो पाए। इसके अलावा यहाँ पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए क्या क्या फॉर्म लगेंगे वो सारे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप वो चीज़ें जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ मेंशन की है, तो यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी मेंशन कर रखा है तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्ण यूजीसी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप मंथली कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट क्लेमिंग फेलोशिप अंडर, तो ये सब फॉर्म में आपको मेंशन लाइक फिलअप करने पड़ेंगे जो कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए जो है फॉर्म मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करने के लिए, और आपको यहाँ पे जो अमाउंट है फेलोशिप भी वो भी एक अच्छा खासा फेलोशिप दिया जाएगा, तो आप इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।